हम बात कर रहे हैं ओरिएंट ग्रीन पावर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। ऑलमोस्ट 5% तक के गिरावट के साथ स्टॉक में क्लोजिंग हमको देखने के लिए मिली थी लास्ट ट्रेडिंग डे में। लगातार गिरावट में स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट ब्रेकडाउन कर चुका है और हम अगर चार्ट पैटर्न पर देखें तो इस वक्त अपने आखिरी सपोर्ट पर स्टॉक हमको नज़र आ रहा है। 17.80 रुपये का जो लेवल है, 17.80 रुपये 18 रुपये का लेवल, जहाँ से इससे पहले बड़ी गिरावट के साथ सपोर्ट लिया था। हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट कहाँ से गिरावट आई थी, 36 के लेवल से गिरावट दिखाई थी, तो वहाँ से सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाया था। तो अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर हमको इस वक्त स्टॉक नज़र आ रहा है। तो अब काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ग्रीन पावर के लिए, ओरिएंट ग्रीन पावर के लिए 17.80 रुपये 18 रुपये का लेवल। इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, ब्रेकडाउन कर जाता है तो वैसी सिचुएशन में स्टॉक में 15.40 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का भी फॉल आ सकता है। लेकिन सेलिंग प्रेशर लगातार बन रहा है तो ब्रेकडाउन कर सकता है। हालांकि तगड़ा सपोर्ट है, काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है, बड़ी गिरावट के साथ सपोर्ट लेकर इसी लेवल से जम दिखाया था। तो अब हमको नज़र रखना है इसी लेवल पर, अगर ब्रेकडाउन कर गया तो और गिरावट, और अगर रिकवरी आती है जंप आता है तो जो पहले सपोर्ट लेवल हुआ करता था 18.80 रुपये 19 रुपये का लेवल, जहां से रिजेक्शन लिया इमीडिएट टारगेट रहेगा 19 रुपये का लेवल। और इसके ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा 20 रुपये के लेवल पर करेगा। अगर 20 रुपये का लेवल ब्रेकआउट कर गया तो फिर बड़ी तेज़ी और रिकवरी आते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन फिलहाल लगातार सेलिंग दिखा रहा है स्टॉक, तो इस पर इस वक्त नज़र रख के चलना ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।